नवागत एडिशनल एसपी पुनित गहलोत व एसडीओ विनोद शर्मा ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए चारों थाने के पुलिस बल के साथ में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रहवासियों को जागरूक करना था, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना था। इस दौरान एडिशनल एसपी ने थाना क्षेत्रों से लगे हुए सीमा क्षेत्रों को भी देखा और वहां पर मौजूद ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं थाना क्षेत्रों में रहवासी इलाकों को देखते हुए जहां पर मौजूद रहवासियों ने अपने गाँव की सुरक्षा के लिए स्वयं ही तत्पर है, ग्रामीणों का उत्साह देख एडिशनल एसपी वहां मौजूद स्टाफ ने ग्रामीणों की तारीफ की। वही फ्लैग मार्च के दौरान बिना किसी काम से बाहर निकले लोगों को हिरासत में लेते हुए वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। यह फ्लैग मार्च पिकदाम्बर, किशनगंज, कोदरिया, धारनाका और महुगांव कोदरिया सहित अन्य थाना क्षेत्रों से निकला। खेड़ी के सभी निवासियों, आप सभी से हमारा ये आग्रह है कि कोरोना को लेकर जो दूसरी लहर अभी चल रही है उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हो रहे हैं तो वो ग्रामीण युवा लोग हो रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आज पुलिस का पूरे ग्रामीण अंचल में लगातार मार्च निकलते आए हैं और आज भी निकल रहा है, तो आज हम आपसे ये अपील करते हैं कि जो कोरोना संबंधी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पूरा पालन करें, अपने घरों में रहें। पुलिस की गाड़ी जब आती है तब आप लोग सभी घरों में चले जाते हैं और पुलिस की गाड़ी जाती सब लोग वापस बाहर आ जाते हैं। ऐसा करके आप पुलिस को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन अपनी और अपने परिवार की जान को ही जोखिम में डाल रहे हैं, तो कृपा करके ऐसा न करें। हमें मजबूरन कुछ लोगों पर कार्यवाही करनी पड़ रही है क्योंकि वो कोरोना का बार बार समझाने के बाद भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारी अपेक्षा है कि पुलिस को इस प्रकार की कार्यवाही का आप मौका न दें, स्वयं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा रखें। आपके गाँव में जो सभी लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं ये काफ़ी जिम्मेदार और काफ़ी गंभीर लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से लगातार काम करते हुए आपके गांव को कोरोना से बचाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे लोगों का साथ दें, इन लोगों का हाथ बटाएं और जितने भी दिशा निर्देश प्रशासन द्वारा आपको दिए जाते हैं उनका आप पालन करें। धन्यवाद। सर, लगातार दो दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकल रहा है, हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे सर ग्रामीण क्षेत्रों को? देखिए, जो इस बार जैसा कि आप सभी को अवगत है इस चीज़ से और मैं भी लगातार बार बार यही प्रयास कर रहा हूँ जितने लोगों को मैं बता सकूँ कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका मुख्य प्रभाव देहात क्षेत्रों में है। देहात क्षेत्रों में भी बेसिकली युवा वर्ग को ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं इस बीमारी के कारण, तो इसमें हमारा बेसिकली उद्देश्य पिछले दो तीन दिनों की कार्यवाही जो सख्त हमने की है यही है
कि देहात में काफ़ी ज़्यादा वायलेशन हमें देखने को आ रहे हैं कोरोना के उल्लंघन के, क्योंकि देहात का क्षेत्र जो काफ़ी बिखरा हुआ होता है, हर जगह राउंड द क्लॉक 24/7 पुलिस का प्रेजेंस पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की उपस्थिति हो, लेकिन जब पुलिस की उपस्थिति नहीं होती उसका फ़ायदा उठाते हुए कई लोग जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम लगातार हमारा प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। गाँव हम पिछले 36 घंटों में लगातार घूम रहे हैं। आज भी हम सुबह से लगातार मानपुर और कोदरिया और मलेंदी और अभी वर्तमान में भागवत खेड़ी में हैं, तो इसमें हम लगातार समझाइश भी दे रहे हैं, जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक बस जो है पुलिस के काफ़िले के पीछे चल रही है, जो कि एक मोबाइल जेल के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, तो जो भी इसका वायलेशन कर रहे हैं उनको लगातार उस बस में बिठाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखने को भी आ रही हैं, जैसे कुछ गाँव हैं काफ़ी, जैसे अभी वर्तमान में भगवत खेड़ी में हम खड़े हैं, तो कई जो कार्यकर्ता हैं गाँव के, उन्हीं लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रयास की है, नवाचारों को उन्होंने शामिल किया है, टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हैं और अपने गांव को कोरोना से बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम ऐसे लोगों से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं और कोरोना को जो है अपने गांव को कोरोना से बचाने में न सिर्फ पुलिस एवं प्रशासन की बल्कि सभी की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।